सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में एक बार फिर एक नया बहरान सर उठाने लगा है। मुल्क में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कई शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया है। मेलसी, कसूर और सवाबी में पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने पेट्रोल की किल्लत का नोटिस ले लिया है। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि एलसीज की इजाजत ना मिली तो पेट्रोल की मजीद किल्लत का खदशा है। तो मुल्क में एक के बाद एक नया बहरान सर उठाने लगा है। मुल्क में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कई शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया है। मेलसी, कसूर और सवाबी में पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल ना मिलने से आवाम रुल गए। फैसलाबाद और मेलसी में आवाम का कहना था, हुकूमत ने एक तरफ पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंचाकर उनकी कमर तोड़ दी है, दूसरी जानब पेट्रोल की किल्लत पैदा करके मामूलात जिंदगी मजीद ठप किए जा रहे हैं। हुकूमत एक ही बार बता दे आवाम से चाहती क्या है। तीन चार पंप पेट्रोल का पता करके आ चुका हूँ। अब मेरी गाड़ी बंद हो गई है मैंने फैमिली के साथ सफर करना था, तो ये हुकूमत क्या कर रही है? हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, एक घंटा हो गया है हम ख्वार हो रहे हैं। पूरे मेलसी में कहीं पेट्रोल नहीं है। अब हमारी गाड़ी भी यहाँ के बंद हो गई है। ये लास्ट पंप पे हम आए थे, इधर भी पेट्रोल नहीं है। हम क्या करें? इस हुकूमत ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। फसल काश्त करनी है, हमें डीजल कहीं से भी नहीं मिल रहा। हम डीजल कहाँ से लें और कहाँ से फसल ये काश्त करें? इनसे ये तेल नहीं पूरा हो रहा। हम छोटे छोटे थे, सुनते थे